हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर और वेलकम टू दिस चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट टू, सीक्वेंस हम करने वाले हैं। एनालिसिस का टॉपिक है ये, रियल एनालिसिस का। सो आज कुछ काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास लास्ट पर, जो आप न्यू वन है तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप पार्ट वन देख लीजिएगा। वहां पर बेसिक मैंने बताया कि सीक्वेंस की जो डेफिनेशन क्या होती है रियल में, हमें सीक्वेंस तो हम करने लगे थे लेकिन उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर हमारी कमांड नहीं होती। जब तक आपको डेफिनेशन नहीं क्लियर तब तक हमें कोई भी टॉपिक करने का कोई फायदा नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो आज हम नेक्स्ट अप्रोच करने वाले हैं, दैट इज आपको यदि सीक्वेंस का पता चल गया कि सीक्वेंस क्या होती है, उसके बाद उसकी कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, बिकॉज जो सीक्वेंस होती है वो एक फंक्शन होता है, स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन, जिसको हमने एक्सप्लेन किया होता है, जिसकी जो डोमेन होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और वो एक सिंपल रिलेशन होता है जिसमें आपने नंबर ऑफ नेचुरल नंबर पुट करते जाना और आपका आंसर आते जाना है। ठीक है, बिकॉज हमारे पास जो डोमेन वो इनफाइनाइट होती है, तो आपके पास वहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन द रेंज होगी, तो टोटल आपकी जो सीक्वेंस होगी दैट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। लेकिन उसकी कुछ टाइप हम करने वाले हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्स करेगी या डाइवर्ज करेगी, आज उसके ऊपर बात करेंगे। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल का होना काफी जरूरी है, और करते हैं स्टार्ट इसको। ठीक है, सो सबसे पहले डेफिनेशन है कन्वर्जन सीक्वेंस। अ सीक्वेंस जिसको हमने रिप्रेजेंट करते हैं एन, इज सेड टू बी अ कन्वर्जन टू अ लिमिट एल। हम उसको कब कह सकते हैं कि इट इज कन्वर्जन टू लिमिट एल, इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। आपके पास एक एप्सिलॉन नंबर है लेकिन वो पॉजिटिव है, लेकिन काफी स्मॉल हमने लेना, लाइक आप 0.01 ले सकते हैं, 0.001 ले सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो लेकिन काफी स्मॉल। एंड इस एप्सिलॉन के लिए आपके पास देयर एग्जिस्टेड पॉजिटिव इंटीजर एम, जो कि इसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी जो वैल्यू हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि देयर एग्जिस्टेड पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट हमारे पास क्या हो रहा है, ए एन माइनस एल की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो जहां पर, और हम कह सकते हैं कि हमारी जो en है, en क्या है, इसकी जनरल टर्म है, इसकी कोई आप जनरल टर्म भी कर लेते हैं, और जो जनरल टर्म है l को अप्रोच करेगी एज आपका n टेंडिंग टू इनफिनिटी, तो ये तो प्रॉपर डेफिनेशन होगी, इसको आप छोड़िए। ठीक है, ये हमें करनी होती है, ये हमें मालूम है, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि अब आपके पास कोई सीक्वेंस है। सबसे पहले कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होता है, ये वर्ड ऐसे है कि जो जब मैथ स्टूडेंट था तो मेरे को नहीं समझाते थे, तो जब मैं बताना चाहता हूं कि कन्वर्जेंस मीन आपकी जो सीक्वेंस दैट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, जैसे आप फंक्शन में वैल्यूज पुट करते हो उसके कोई ना कोई आंसर आए, या तो आपकी सीक्वेंस के आंसर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकते, या फिर वो क्या होते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नाउ डिक्रीजिंग, मीन वो इंक्रीज करेगी या तो दोनों साइड को। एक सीक्वेंस ऐसी हो सकती है, एक फंक्शन ऐसा हो सकता है कि आपकी वैल्यू, जैसे आपने वन पुट किया आंसर छोटा है, फिर उसके बाद वो ग्रेटर हो रही, ग्रेटर हो रही, ग्रेटर हो रही है, कि आपकी यदि सीक्वेंस जो है वो इंक्रीज कर रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, मीन उसकी वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, कि जैसे आप एन को इन्फिनिटी पुट करेंगे वो भी आपको इन्फिनिटी देने वाला है। जब आपकी सीक्वेंस में इन्फिनिटी आ रहा है तब हम उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, कि आपकी सीक्वेंस लीड कर रही टूवर्ड्स द इन्फिनिटी, तो उसको हम डाइवर्जेंट बोलते हैं। तो डाइवर्जेंट कुछ खास नहीं होता, सिंपल ये होता है कि आपकी इन्फिनिटी की टर्म कैसी आ रही है। और कन्वर्जन कब बोलेंगे, जब आपकी जो सीक्वेंस है उसमें जो टर्म है वो फाइनाइट आए हमारे पास, मीन आपकी सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होगी। आप इमेजिन कीजिए कि आपकी सीक्वेंस में हम कह रहे हैं कि ऑलवेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होती है, लेकिन वो कन्वर्स कब करते हैं कि जब आपकी सीक्वेंस का जो आपने डिफाइन की होती है वो कुछ ऐसा होता है कि वो पूरी की पूरी सीक्वेंस है वो किसी एक पॉइंट को टारगेट करती है, उसके नेबर में वो घूमती रहती है। लाइक एक सीक्वेंस में आपको बताने वाला हूं कि लाइक हमारे पास वन ओवर एन है, इसमें वन ओवर एन, जैसे आप इसमें वन पुट करेंगे तो आपका आंसर वन आ जाएगा, टू पुट करेंगे 0.5, थ्री पुट करेंगे 0. आपके पास आई थिंक धीरे धीरे आ जाएगा, और आप फोर पुट करेंगे आपके पास 1/4 0.25, फाइव पुट करेंगे 0.20। मीन जैसे आपका एन इंक्रीज होगा, हो सकता है कि आप करेंगे तो वैसे वैसे आपका जो आंसर है वो छोटा होता चलेगा, लेकिन इसका आंसर पहले सेकंड स्टेप से जो 0 चल रहा है समथिंग, मीन इसका जो टारगेट है, जो जो डेस्टिनेशन पूरी पूरी सीक्वेंस है वो जीरो के आसपास घूम रही है, और जैसे आप एन को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वन में इन्फिनिटी आपका टोटल आंसर जीरो आ जाएगा। तो जहां पर कंक्लूजन क्या निकलती है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, लेकिन वो सारी की सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म कैसी है, 0. समथिंग की फॉर्म में है। तो जहां पर जो लिमिट हम कहते हैं, तो लिमिट क्या होता है, लिमिट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको पूरी की पूरी सीक्वेंस टारगेट करती है, जिसको वो आइडेंटिफाई करती है, जिसको वो सिग्निफाई करती है। सीक्वेंस आप देखकर बता सकेंगे नहीं, आप जब आपके पास सीक्वेंस होगी तो आप उसको देखकर जज कर सकते हैं कि यस ये जो सीक्वेंस है ये इस वैल्यू के आले दुआले घूम रही है, जो बार बार टारगेट कर रही है इस वैल्यू को आइदर लेफ्ट और राइट के साथ। मीन ये एक ऐसा पॉइंट है कि यदि उस पॉइंट की हम नेबरहुड, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप जीरो एक टारगेट कर लेते हो, उस जीरो की नेबरहुड आप लेते हो,
तो उस जीरो की नेबरहुड में आपको इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मीन मैंने यहां पर जीरो पे पॉइंट ले लिया, तो मैं इसकी नेबरहुड मान लो मैंने इसका रेडियस ले लिया 0.5, मीन 0.5 जैसे हाफ रेडियस ले लिया है। अभी जो भी पॉइंट होंगे जिनका आंसर यहां पर 0.5 से छोटा होगा वो सारे के सारे इसकी नेबरहुड में आ जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आप 2 पुट करेंगे वो 0.5, तो 2 इसकी नेबरहुड में नहीं जाएगा, लेकिन 3 पुट करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा 0.334 पर 0.25। तो वो सारे पॉइंट ऐसे होंगे जिनका जहां पर 0 से डिस्टेंस है वो 0.5 से कम आएगा। इसका मीन वो सारे के सारे पॉइंट इस नेबरहुड में आएंगे, और आपके पास किसी पॉइंट की नेबरहुड यदि सीक्वेंस की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को कंटेन करती है तो उस पॉइंट को हम उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बोलते हैं। तो जहां पर डेफिनेशन टू लिमिट पॉइंट है उसको समझना काफी जरूरी है कि आप उस सीक्वेंस में फाइंड कीजिए कोई ऐसा पॉइंट और देखें कि उसकी नेबरहुड में उस सीक्वेंस के कितने पॉइंट आते हैं। यदि उस सीक्वेंस के फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ही आते हैं देन वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, लेकिन यदि उस पॉइंट की नेबरहुड में आपके पास सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आ रहे हैं देन दैट पॉइंट इज सेड टू द लिमिट पॉइंट। तो सिंपल, अब हमने मान लिया कि जहां पर मेरे पास जो है, अब डेफिनेशन देखें कि आप जैसे n को, मैंने बोला कि जैसे आप n की वैल्यू को इनफिनिटी को अप्रोच करते हैं जहां पर जो जनरल टर्म 1 पे n वो क्या बन रही, वो 0 बन रही है, तो इसका आंसर 0 को आएगा। 0 जहां पर क्या होगी l, तो आपके पास क्या होगा कि जैसे आपने सेकंड के बाद, तो मैंने कहा कि आपने यहां पर m फाइंड करना, तो आपकी m क्या होगी यहां पर, आप मान लीजिए आपकी m क्या है इक्वल टू 3 कि जैसे सीक्वेंस की आपने थर्ड टर्म मीन a3 ली, A3, A4, A5, जितने भी अभी सारे की सारी जो होगी आपके पास आप लेट करेंगे, मीन आपके पास 3 के बाद वाली जो भी आपकी टर्म होगी उन सभी टर्म का डिफरेंस, जो मान लीजिए A3 है, उन सभी टर्म का डिफरेंस जहां पर 0 से जो होगा वो काफी कम होगा। मान लीजिए जहां पर हमारे पास 3 मैंने लिया हो तो ये 0.33 आ चुका है, 0.33, और जहां पर 0 का डिफरेंस आपके पास 0.3 है, लेकिन आपने यहां पर एप्सिलॉन को सेट करना है 0 से छोटा, तो मान लीजिए आपके पास 0.9 है, तो ये लेस आएगा 0.9। तो ऐसे हमें इसको करना होता है कि आपके पास वो सारी की सारी टर्म जो m से बाद वाली हैं उनका इस पॉइंट से यदि डिफरेंस एप्सिलॉन से कम आता है इन दैट केस हम कहेंगे जी पॉइंट क्या है, उसका लिमिट पॉइंट है, और गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो सिंपल सा फंडा आपको शायद समझ में आ गया होगा। अभी ये तो है कि आपका आंसर फाइनाइट, फाइनाइट मीन इन द सेंस ऑफ कि आपके पास वो टारगेट करे किसी फाइनाइट नंबर को टारगेट करे सीक्वेंस, देन इट इज कन्वर्जेंट, एंड कन्वर्जेंट टू द लिमिट पॉइंट, उस एक पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। अभी डाइवर्जेंट में क्या होता है कि आपके डाइवर्जेंट में अ सीक्वेंस पॉसिबल बड़ा नंबर ले सकते हैं आप पिक कीजिए, और उस नंबर के लिए आपके पास वहां पर एक इंटीजर होगा एम, और आप उसको एम लिख सकते हैं, सॉरी आप इसको लिख सकते हैं, हाँ यस एम होगा, और जहां पर के ऊपर डिपेंड करेगा सच दैट कि आपकी ए एन ग्रेटर देन दिस के उस नंबर से आगे, जैसे आपका जो एन होगा वो ग्रेटर इक्वल टू एम। तो सिंपल सा फंडा है कि आपके पास एक नंबर, मान लीजिए मैंने के की अमाउंट 1000 पिक कर ली है, जैसे मैंने यहां पर 0 पिक किया था, मान लीजिए के मैंने पिक किया कि 1000, अभी 1000 के बाद जितनी भी टर्म होगी उन सारी टर्म का जो आंसर है वो 1000 से बड़े वाला आने वाला है, मीन जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा इस नंबर को, सीरीज को हम आगे जाएंगे तो उसका आंसर बड़ा बड़ा और भी इंक्रीज होता चला जाएगा, मीन वो इन्फिनिटी बन जाएगा। जहां पर क्या कहे कि एक नंबर को टारगेट नहीं करेगा ये इन्फिनिटी को डायरेक्ट टारगेट करेगा, कि और जहां पर मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि यदि मान लीजिए आपके पास n = n टाइप है, आप 1 पुट करेंगे आंसर 1 आ गया, आप 2 पुट करेंगे आंसर 2 आ रहा है, आंसर 3 आएगा, मीन जैसे जैसे आप n को आगे आगे नेचुरल नंबर पुट करेंगे जब आप n को इन्फिनिटी पुट करेंगे आपका आंसर भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इज दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस दैट इज an = n, दिस इज सेड टू बी द डाइवर्जेंट सीक्वेंस, एंड डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी, और बेस सिंपल यदि मैं माइनस लगा दूं तो आपका आंसर ये छोटा होता चला जाएगा, जैसे आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो इट इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी करेगी। तो ये सिंपल सा फंडा अभी आप, तो ये तो एक प्रॉब्लम हो जाए होगी कि कन्वर्जन सीक्वेंस एंड डाइवर्जन सीक्वेंस, और यदि आपके पास सीक्वेंस ऐसी हो कि वो ना तो कन्वर्ज करे ना ही वो डाइवर्ज करे तो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस, दैट ही वो ऑसिलेट कर रही है, वो ना तो वो पूरी की पूरी
प्लस इनफिनिटी को ना जा रही, ना ही वो पूरी एक इस तरफ जा रही है, वो कभी प्लस का आंसर कभी नेगेटिव, कभी प्लस कभी नेगेटिव, कभी प्लस कभी नेगेटिव दे देगी, ऐसी सीक्वेंस। तो उसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस, दैट इज वो ऑसिलेट करे जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करती है। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस भी दो तरह की होती है, एक फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस होती है और एक होती है इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब फाइनाइटली कैसी होती है, तो उसकी एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि आपके पास मान लीजिए माइनस वन की पावर एन है और ये आपके पास सीक्वेंस है कोई भी सीक्वेंस। अब आप एन को वन पुट करेंगे आंसर आएगा माइनस वन, आप एन को टू पुट करेंगे आंसर आएगा प्लस वन, थ्री पुट करेंगे माइनस वन, फोर पुट करेंगे प्लस वन। तो इसका आंसर ना तो माइनस वन है ना ही वन है, सॉरी इसका आंसर जो आ रहा है वो एक बार माइनस वन एक बार प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, तो इसके दो आंसर आ रहे हैं जहां पर और कोई नहीं, तो इट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो आपके पास एवरी बाउंडेड सीक्वेंस वो ऑसिलेट करेंगी, यदि आपके पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है वो कन्वर्ज भी नहीं करेगी, वो कन्वर्ज नहीं करती क्योंकि बाउंडेड आपकी कभी डाइवर्स तो नहीं करेगी, उसके आप कोई ना कोई फाइनल आंसर ही होगा। यदि ये कन्वर्ज नहीं करती देन इट इज ऑसिलेटरी फाइनाइटली बिकॉज सिर्फ टू नंबर्स है जहां पर जिनको ये लीड कर रही है, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल यदि मैं इसके साथ एन मल्टीप्लाई करवा दूं, अभी आप वन पुट करेंगे तो जो आपके पास माइनस वन, आप यहां पर टू पुट करेंगे तो जो टू पॉजिटिव हो जाएगा, थ्री पुट करेंगे माइनस थ्री होगा, फोर पुट करेंगे प्लस फोर होगा, फाइव पुट करेंगे तो आपकी जहां पर मल्टीप्लाई। अब आपके आंसर है जो वो माइनस वन माइनस थ्री ऐसे चलेगे, माइनस फाइव और टू फोर फोर ऐसे चलेगे, तो ये टू फोर सिक्स इवन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है जहां पर माइनस वाले माइनस इन्फिनिटी को, तो ऐसे सिक्वेंस जो कि बाउंडेड नहीं है That oscillates in the, infinitely oscillate करेंगी, तो वो माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी को प्रूव करेंगी। तो ये सिंपल सा हमारे पास सीक्वेंस के ऊपर टॉपिक था, ठीक है। तो एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेना चाहता हूं मैं, आपके पास कुछ नोट्स है मेरे पास, आई थिंक यस। यदि आपकी सीक्वेंस कोई कन्वर्स करती है, आपकी सीक्वेंस यदि कन्वर्स करती है तो उसका जे वाला आंसर है कि आपकी उसकी जनरल टर्म के ऊपर जब भी आप लिमिट लगाएंगे एन टेंडिंग टू इनफिनिटी वो कोई फाइनाइट आंसर ही देगी। एक बार फिर से सुन लीजिए कि आपके पास कोई सीक्वेंस है लाइक दिस आंसर वन बाय एन टाइप है और आपने एन को इनफिनिटी पुट करवा दिया और आपका आंसर फाइनाइट आएगा तब हम बोलेंगे दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जन। यदि आपका आंसर इनफिनिटी आएगा देन वो क्या होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी, नोट नंबर वन। और एक चीज और यहां पर नोट कर लीजिएगा, सीक्वेंस आपके पास कोई भी सीक्वेंस है इस हैव टू बी कन्वर्जेंट, उसको हम कन्वर्जेंट कब कहेंगे, जब वो कन्वर्ज करेगी टू अ यूनिक लिमिट पॉइंट। मैं यहां पर यूनिक वर्ड आपको भी प्रूव करवाऊंगा कि आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब होती है जब भी वो लीड करती है, ये वो टारगेट करती है, जब वो सिग्निफाई करती है किसी एक पॉइंट को, एक पॉइंट को टारगेट करती है, इन दैट केस दैट इज सेड टू बी कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट टू दैट पॉइंट इज सेड टू द लिमिट पॉइंट। तो यदि आपके पास यहां पर लिमिट पॉइंट टू आ रहे हैं, मीन यहां पर भी आपके पास ये वन और माइनस वन को आ रही है, तो जहां पर इट इज नॉट अ कन्वर्जन, इसको हम कन्वर्जन नहीं बोल सकते, ऑसिलेटरी बोल सकते हैं, बिकॉज अभी आप डेफिनेशन में हमने बताई थी, अभी डेफिनेशन जो मैंने लिखा ये कि जहां पर आपके पास माइनस वन की जैसे आप नेबरहुड लेंगे तो माइनस नेबरहुड में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आ तो जाएगी लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म बच भी जाएगी। तो जहां पर डेफिनेशन क्या था कि वो सीक्वेंस उसको हम लिमिट पॉइंट बोलते हैं जिसकी नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आ जाए और जो बाकी बचे वो सिर्फ फाइनाइट होगी, ये कर सकते हैं। और अगर हम थ्योरम करेंगे कि आपके पास कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करते हैं इट इज कन्वर्जन टू अ यूनिक लिमिट पॉइंट, काफी आसान थ्योरम है बेटा। आज की जो थ्योरम है काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पास इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जन देन इट कन्वर्ज टू अ यूनिक लिमिट, तो भी हमने करना क्या कि कन्वर्ज करवानी है तो वो यूनिक लिमिट होनी चाहिए, तो इसका प्रूफ काफी ईजी है, तो प्रूफ करते हैं इम्पॉसिबल से। So, हमने यूनिक करना तो पॉसिबल मान लीजिए कि भी यूनिक नहीं है, इम्पॉसिबल हम लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लिया कि हमारे पास एक सीक्वेंस है विच कन्वर्जेंट विच कन्वर्जेस टू टू लिमिट्स, दैट इज टू लिमिट्स को वो कन्वर्ज कर रही है, दैट इज एल एंड एल डैश, और हम जहां पर मान लेते हैं कि आपकी एल एंड एल डैश बोथ आर डिफरेंट, तो ठीक है हमने मान लिया ये बोथ आर डिफरेंट है, कि पॉसिबल लेट कर लिया एन कन्वर्जेस टू टू लिमिट्स एल एंड एल डैश। अभी आपकी चीज कन्वर्ज तो कर रही है एल को, देन बाय डेफिनेशन आप लगाएंगे तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन क्या होगा आपके पास, देयरफॉर बाय डेफिनेशन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो आपके पास देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स होंगे, बिकॉज एक इसके लिए होगा एक इसके लिए होगा, आपके पास देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास होंगे M1 वो भी डिपेंड करेंगे एप्सिलॉन के ऊपर एंड M2 वो भी डिपेंड करेंगे एप्सिलॉन के ऊपर, एंड सच दैट जो डेफिनेशन अभी हमने लिखी थी वो वाली सेम टू सेम जहां पर हम चेप देंगे जहां पर इसको, दैट इज AN लिमिट क्या है M, ये लेस होगा एप्सिलॉन, तो हम लिखते हैं एप्सिलॉन। यदि आपके पास टू लिमिट तो आप एप्सिलॉन बाय टू लिख दीजिएगा, यदि आपके पास कोई चीज थ्री ले रहे हो तो आप यहां पर एप्सिलॉन बाय थ्री लिख दीजिएगा, उसका रीजन हम लास्ट में आपको बता देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर an माइनस एल लेस देन एप्साइलन बाई टू, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि हमने एप्साइलन बाई टू इसलिए लिया हुआ है, वैसे तो हम एप्साइलन लेते हैं क्यों, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर टू लिमिट्स है, जब टू होती तो यहाँ पर हमने हाफ ले लेना था, यदि हमारे पास थ्री चीज होती है यहाँ पर एल एल डैश डबल डैश होता है, मान लीजिए पैसे कह रहा हूँ, तो हम एप्साइलन बाई थ्री एप्साइलन बाई थ्री एप्साइलन बाई थ्री लेते हैं, ठीक है, तो ये चीज होगी हमारे पास फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन नंबर वन, बिकॉज हमने जस्ट डेफिनेशन लगाई थी, यदि आपके पास कोई चीज कन्वर्स करती है l, then an minus l less than epsilon होता for all, and similarly हमारे पास क्या होगा an minus l dash less than epsilon by 2 for all n greater than equal to m2 number 2. अभी जहां पर एक नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए हमारे पास जहां पर आपके पास m1 है और जहां पर आपके पास m2 है, तो आपका जो फर्स्ट वाला केस है वो किसके लिए है, दैट इज n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू इसके लिए, और जो सेकंड वाला केस है वो किसके लिए है, वो है इसके लिए. तो आप यहां पर ध्यान दीजिए कि आपका जो m2 है वो ग्रेटर है, मान लीजिए यहां पर सिंपल बताना चाहता हूं कि एक तो इसमें से ग्रेटर होगा, कि ये दोनों कब ट्रू हो रही है, ये जहां पर इनका कॉमन सेक्शन आ चुका है, जहां पर ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, बिकॉज इस पार्ट में तो आपका सिर्फ और सिर्फ पहले वाला जहां पर ट्रू हो रहा है, लेकिन जहां पर जो m2 के बाद वाला कॉमन पोर्शन आया इसके लिए ये दोनों दोनों ट्रू कर रहे हैं, तो हम लेट कर लेते हैं इसमें से जो भी बड़े वाला नंबर है, तो आप लेट कर लीजिएगा, लेट m is equal to simple m is equal to maximum of both m1 comma m2, जो भी इनसे मैक्सिमम है. अभी मैक्सिमम के लिए आपका ये वाला भी ट्रू होगा, मैक्सिमम के लिए आपका ये वाला भी ट्रू होगा, तो इसको रीराइट कर लीजिए, तो व्हिच इंप्लाइज हमारे पास an minus l less than epsilon by 2 होगा for all n greater than equal to m, and साथ में हमारे पास an minus l dash भी less than epsilon by 2 होगा for all n greater than equal to m, तो हमारे पास हो चुका है. अभी हमने यहां पर इम्पॉसिबल का करना है यूनिक, तो कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्राडिक्ट होने चाहिए, तो अभी हम फाइंड करते हैं एल माइनस एल डैश की मोड, ठीक है, यहां पर एब्सोल्यूट नंबर है, अभी जो दोनों के दोनों डिफरेंट नंबर है उनका हमने यहां पर माइनस ले लिया हुआ, तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, ज्यादा वो पॉजिटिव है जहां पर भी नेगेटिव, लेकिन हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, मीन ऑलवेज हम उसको पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे, विच कैन रिटन एज, तो अभी हमने एल माइनस एल डैश को इन दोनों में यूज करना है, तो जहां पर आप कर दीजिए एक बार आपने an प्लस कर लीजिए, एक बार an माइनस कर लीजिए, तो ये जो आपका प्लस वाला an है उसके साथ आप लगा दीजिए, जहां पर उसके साथ आप लगा दीजिए l डैश लगा दीजिए, और जहां पर जो आपके पास माइनस है, एक बार फिर से चेक करते हैं कि मैंने इसके साथ ये वाला लगा दिया an माइनस l डैश, और जहां से आप लगा दीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस ऑफ l हो जाएगा, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो चुका है, जो प्लस का था वो हमारे पास माइनस हो चुका, अभी आपके पास टू नंबर्स बन चुके हैं, तो विच इज लेस देन इक्वल टू आपके पास इनका सेपरेट मोड हो जाएगा, an माइनस l डैश मोड और प्लस an माइनस l का मोड हो जाएगा. अभी आप इसको देख सकते हैं कि an माइनस l डैश की जो वैल्यू वो एप्साइलन बाई टू से छोटी हो, तो इसकी एप्साइलन बाई टू से, तो एक्चुअली हमारे पास क्या हो गया लेस देन एप्साइलन बाई टू plus epsilon by 2, that is epsilon, which implies आपके पास l minus l dash less than epsilon हो चुका है, जहां पर हमारे पास जो epsilon greater than 0, एक line हम भूल गए कि however small, तो इसको हमने जितना small हो सकता उतना small लेना होता, एक तरह से हमारे पास होता क्या कि जो epsilon आपके पास होता है वो greater than 0 और less than 1 होता है, greater than 0 और less than 1, तो अभी आपके पास जो आंसर आ चुका है वो आ चुका है l माइनस l डैश की जो मॉड है वो लेस देन एप्साइलन, कि एप्साइलन से छोटा नंबर आपको चाहिए, और जहां पर मॉड होने के कारण ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो जहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन क्या लग सकती है कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर जो कि जीरो से छोटा हो, जहां पर हम कह रहे हैं एप्साइलन से छोटा, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दैट इज ओनली नंबर ये क्या होगा, इट इज ओनली ट्रू फॉर जीरो, बिकॉज जीरो से आप ले रहे हो, तो बिकॉज जहां पर जीरो और वन में यदि आप किसी नंबर को लेंगे वो नियर अबाउट आपके पास जीरो ही होगी, और इसकी जो एक लाइन है वो मैं आपको प्रॉपर बता देना चाहता हूं, द ओनली नॉन नेगेटिव नंबर, बिकॉज मॉड है तो ये नॉन नेगेटिव है, द ओनली नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यदि आप रियल नंबर की बात करें विच इज लेस देन ऑल पॉजिटिव नंबर, कि आपके पास जहां हमने लिया होगा ये पॉजिटिव है, कि आपके पास कोई ऐसा नेगेटिव नंबर नॉन नेगेटिव नंबर मीन इन सेंस ऑफ जो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर से छोटा हो, ओनली जीरो, बिकॉज जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, तो जीरो एक ऐसा नंबर है जो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर से छोटा है, जिसका मीनिंग क्या हुआ, इट इज ओनली ट्रू इफ हमारे पास एल माइनस एल डैश इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज जीरो का मोड जीरो और जीरो लेस देन एप्साइलन होगा, जहां पर जीरो इससे एप्साइलन है इससे छोटा है, बिकॉज इसको हमने काफी स्मॉल लिया होता, हमने इसको 0.000 समथिंग ले सकते हैं, तो उससे भी छोटा है और हमारे पास और नॉन नेगेटिव होना चाहिए, दैट इज ओनली जीरो, तो जहां से आपके पास इक्वल टू जीरो आ गया, विच इंप्लाइज एल इज इक्वल टू एल डैश हो जाएगी, तो जहां पर सिंपल फंडा हमने स्टार्टिंग में लिया था कि हमारे पास ये दोनों
अलग है, तो जहां पर हमारे पास which implies L is equal to L dash, जो हमारे पास contradiction लग चुकी है, which is a contradiction. यदि contradiction है, तो आप लिख लीजिएगा, therefore our supposition is wrong. Therefore our supposition is wrong. यदि supposition आपकी wrong हो चुकी है, तो क्या होगा हमारे पास? तो आप इसको लिख दीजिएगा, hence, तो last line आप लिख दीजिएगा, hence our sequence convergent and so hence our sequence is convergent towards unique limit. तो आपके पास यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती देन दैट कन्वर्जेंस टू अ यूनिक लिमिट और जे इसके साथ प्रूव हो चुका है. तो आज के लिए इतना काफी. आप इसको एक बार पॉज कीजिए, नोट कीजिए और आपकी जिन लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ प्लीज शेयर कर सकते इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज चाहिए यदि आप इसको शेयर करेंगे और मेरे को भी अप्रिशिएशन मिलेगी और उसके साथ हम इसको टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. जो सीक्वेंस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया उसको यहाँ पर मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकता लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को जैसे हमने इम्प्रॉपर इंटेग्रल का टॉपिक काफी हद तक किया हुआ है उसके 17 वीडियोस में अपलोड कर चुका और आप वो भी देख सकते हैं. सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के एंड थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.